दोस्तों यह है 2-in-1 फैन। ये फैन 6 वोल्ट की बैटरी से भी चलता है और करंट से भी चलता है। तो अभी इस फैन में एक प्रॉब्लम है, ये फैन अभी करंट से तो चल रहा है लेकिन बैटरी से नहीं चल रहा है। तो इस फैन को 4 या 5 घंटा चार्ज देने के बाद भी ये फैन चालू नहीं होता है। तो आज हम इस फैन के बैटरी को बदल कर दिखलाएंगे। तो ये रही नई बैटरी, जो कि इस वक्त मार्केट में कीमत है 250 रुपये। यहाँ पर मैंने स्टिकर लगा दिया है क्योंकि मुझे कंपनी का नाम नहीं शो करना है। तो इस बैटरी को हम इस फैन में लगाएंगे और आपको चालू करके भी दिखाएंगे। देखिए इस फैन में इमरजेंसी एलईडी भी है जो कि चालू करने पर चालू है, और यहाँ पर देखिए एसी और डीसी। तो एसी जब इस तरफ हम करेंगे तो डायरेक्ट करंट से चलेगा और बीच में ऑफ, और उस तरफ करेंगे तो इसके अंदर जो बैटरी है बैटरी से चलेगा। तो अभी इसके अंदर जो बैटरी है वो कई दिन चलने के बाद कमज़ोर हो चुकी है। तो हम इस नई बैटरी को लगाएंगे और इसके बाद हम चालू करके इस फैन को चलाएंगे। तो इसे बदलने के लिए हमें पंखे के नीचे वाले भाग में जाना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक स्क्रू है, इस स्क्रू को खोलते हैं। तो स्क्रू खुल चुका है। अब इस वाले भाग को हम यहाँ हाथ रख कर खींचेंगे तो ये अपनी तरफ आ जाएगा। तो नीचे वाले भाग में जो बैटरी रहता है उसका ढक्कन खुल चुका है। देखिए ये बैटरी खुल चुकी है और कई जगह से ये बैटरी पानी भी छोड़ चुकी है, ये देखिए। और ये देखिए ये फूला वाला भाग है। तो बैटरी को निकालते हम, तो बैटरी निकल चुका है। बहुत बुरी हालत है इस बैटरी की। तो देखिए यहाँ पर फूला है और यहाँ पर और यहाँ पर पूरी तरह से फूल चुका है। इसका मतलब ये बैटरी ख़राब हो चुका है। तो चलिए अब इस बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव को हम निकाल लेते हैं, उसके बाद नई बैटरी को लगाते हैं। तो इस बैटरी को हटा देते हैं, अब नई बैटरी को लगाते हैं। तो नेगेटिव पॉजिटिव के अनुसार रेड वायर रेड निशान पर और ब्लैक वायर ब्लैक निशान पर। तो बैटरी का कनेक्शन लग चुका है, चलिए इसकी जगह पर हम इसे लगा देते हैं। तो ये लग चुका है बड़ी आसानी से। अब इसके ढक्कन को भी हम लगा देते हैं, कवर को।
स्क्रू लगा देते हैं। दोस्तों बैटरी लगाने का काम पूरा हुआ। अब चलिए इस पंखे को हम चेक करके देखते हैं। चलिए ऑन करते हैं डीसी। तो देखिए ये पंखा चालू हो चुका है। और अभी स्लो कंडीशन में है क्योंकि नई बैटरी लगाने के बाद इस पंखे को हमें करीबन 10 या 12 घंटा चार्ज देना पड़ेगा, तब जाके ये पंखा सही तरीके से चलेगा। तो अगर आपके घर में भी इस तरह के पंखा हो तो आप भी इस तरह से बैटरी को बदलकर अपने पंखे को फिर से बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबा दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।